बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा जो है कम्युनिकेशन जो है किस तरह से करता है, किस कितने इसके मोड्स हैं, किन वेज से या कौन से मेथड जो हैं जिनको फॉलो करके डाटा जो है कम्युनिकेट कर सकता है। तो बेसिकली जो है डाटा कम्युनिकेशन मोड जो है तीन किस्म के होते हैं। नंबर वन है सिंप्लेक्स मोड, नंबर टू है हाफ डुप्लेक्स और थर्ड वन है फुल डुप्लेक्स। तो वन बाय वन हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होगी, व्हेन ए पर्सन इज गिविंग ए लेक्चर और स्पीच, इंफॉर्मेशन इज प्राइमरली कन्वेड इन वन डायरेक्शन। वो कह रहा है कि जब एक पर्सन जो है स्पीच दे रहा हो या बोल रहा हो तो इंफॉर्मेशन जो है वन डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन स्पोकन मैसेजेस इंफॉर्मेशन आर यूजली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शंस। और आमतौर पर अगर देखा जाए कि हम अगर किसी से बातचीत करें तो हम अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वो हमें भी एट ए टाइम उस बात का जवाब दे सकता है। दीज मैसेजेस आर नॉर्मली एक्सचेंज अल्टरनेटिवली बट कैन वन ऑफ कोर्स आर एक्सचेंज साइमल्टेनियसली। सिमिलरली व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू पीसीज ऑफ इक्विपमेंट देयर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स कैन बी यूज। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसकी जो है बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम एक टाइम में एक पर्सन ही बात कर सकता है, यानी कि वो जस्ट अपना मैसेज कन्वे कर सकता है, बाकी जो है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसा कि टीवी के सिग्नल है, केबल के सिग्नल जो है एंटीना के थ्रू हमें आते हैं, तो वो जस्ट जो है हम सिग्नल्स रिसीव कर रहे होते हैं, उसको जो है उसके अल्टरनेट को जो है सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। सिंप्लेक्स इज ए मोड इन विच डाटा फ्लोस इन वन डायरेक्शन ओनली। वो कह रहा है कि सिंप्लेक्स मोड जो है जिसके अंदर डाटा जो है एक डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये वाली फिगर में, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि ओनली इन वन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 3.3, बिकॉज मोस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायर ए टू वे इंटरचेंज ऑफ डाटा, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट एज पॉपुलर एट इट इज वंस वाज। However, one current usage of simplex communication in business involves certain point of sale terminals in which sale data is entered without a corresponding reply. Other examples including radio and TV transmission. अच्छा, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये जो है सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि जस्ट हम सिग्नल रिसीव करते हैं, तो रेडियो के सिग्नल जो है हम जस्ट जो है उसको रिसीव कर सकते हैं, उसके बाद टेलीविज़न जो है टीवी के सिग्नल जो है केबल के थ्रू हम जो है जस्ट उसको रिसीव करते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इसकी जो है वन वे डायरेक्शन होती है। उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है हमारी वो टू वे के अंदर होती है, लेकिन उसके अंदर गैप आता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो जो पर्सन नंबर वन है वो अपनी बात कंप्लीट करेगा तो दूसरा बंदा अपनी बात शुरू करेगा। ये नहीं है कि वो कम्युनिकेशन इस तरह की उनकी हो रही है कि आपस में जो है जिस मर्जी पॉइंट पर वो आपस में यानी बोल सकते हो। अगर एक बंदा अपनी बात ख़त्म करेगा तो दूसरा जो है अपनी आवाज़ या अपनी बात शुरू करेगा। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी होते हैं, उस डिवाइसेस के अंदर क्या होता है कि जस्ट एक पर्सन एक वक्त में जो है अपना पैगाम या अपना मैसेज दूसरे लोगों को पहुंचा सकता है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि जैसा कि हम फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बात जो है एक ही वक्त में किसी की आवाज़ सुन भी सकते हैं और अपना मैसेज या अपना पैगाम या अपनी बात उसको जो है बता भी सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं जी फुल डुप्लेक्स मोड। तो तीन इसकी टाइप थी, सिंप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड। तो होपफुली इजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।